Welcome dear student to this theory session of manufacturing processes. In this session we will start our next bulk deformation process which is called as extrusion. Hamara ab tak rolling aur forging ye do bulk deformation process complete ho chuki hai. We will start the next one, that is extrusion. Now extrusion is a process which require a closed die with a single opening. एक क्लोज डाई होती है जिसमें सिंगल ओपनिंग होती है. ये डाई सिलेंड्रिकल शेप की होती है. इसमें हम मेटल को रखते हैं और पीछे से पिस्टन से या रैम से हम उसे कॉम्प्रेस करते जाते हैं. ये सडन कॉम्प्रेशन नहीं होता है, धीरे धीरे कॉम्प्रेस करते हैं. इस कॉम्प्रेशन के वजह से जो ओपनिंग है वहाँ से मेटल एक्सट्रूड होता है, यानी बाहर की तरफ ओपनिंग से निकलता है. आफ्टर एक्सट्रूजन मेटल का आपको वही शेप मिलेगा जो शेप आपके ओपनिंग का है. दिस प्रोसेस जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, इट इज़ सिमिलर टू द रिमूवल ऑफ पेस्ट फ्रॉम टूथपेस्ट ट्यूब. टूथपेस्ट या कोई भी पेस्ट, शेविंग क्रीम है, उसे जब आप पीछे से प्रेस करते हो तो सामने वाले ओपनिंग से आपका सिलेंड्रिकल शेप में जो अंदर रखा हुआ पेस्ट है वो बाहर की तरफ आता है. उसका शेप होता है सिलेंड्रिकल. ये सिलेंड्रिकल इसलिए होता है बिकॉज ओपनिंग इज सर्कुलर. तो सर्कुलर ओपनिंग से जब भी मटेरियल एक्सट्रूड होगा तो उसका शेप रहेगा सिलेंड्रिकल. तो दिस प्रोसेस ऑफ एक्सट्रूजन इज सिमिलर टू द एक्सट्रूजन ऑफ टूथपेस्ट फ्रॉम द ट्यूब, बट इंस्टेड ऑफ पेस्ट वी आर डीलिंग विद द हॉट मेटल. सिमिलर टू फोर्जिंग, एक्सट्रूजन इज ऑल्सो डन मोस्ट ऑफ द टाइम एज अ हॉट वर्किंग प्रोसेस. कोल्ड वर्किंग प्रोसेस बहुत एक्सेप्शनल केस में होता है एक्सट्रूजन, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सट्रूजन इज अ हॉट वर्किंग प्रोसेस. मतलब अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर एक्सट्रूजन इज कैरिड आउट. नाउ वी विल थिंक अबाउट द डेफिनेशन. एक्सट्रूजन इज अ कॉम्प्रेशन प्रोसेस. क्या है? कॉम्प्रेशन की प्रोसेस है. मेटल को हम कॉम्प्रेस करते हैं. इन विच द वर्क मेटल इज फोर्स टू फ्लो थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग विच इज कॉल्ड एज डाई टू प्रोड्यूस अ रिक्वायर्ड क्रॉस सेक्शनल शेप. क्या करते हैं? मेटल को हम फोर्स करते हैं, उस पर पीछे से प्रेशर अप्लाई करते हैं ताकि वो ओपनिंग से बाहर आए, और जब भी बाहर आएगा तो वो ओपनिंग का शेप एक्वायर कर लेगा. उसका क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा? ओपनिंग का क्रॉस सेक्शन और आपके मेटल का क्रॉस सेक्शन एग्जैक्टली सेम रहेगा. द एक्सट्रूजन प्रोसेस इज सिमिलर टू स्क्वीजिंग ऑफ टूथपेस्ट और क्रीम फ्रॉम अ ट्यूब. जैसे मैंने डिस्कस किया था, एग्जैक्टली सिमिलर है. ऑलमोस्ट एनी सॉलिड और हॉलो क्रॉस सेक्शन मे बी प्रोड्यूस बाय एक्सट्रूजन प्रोसेस. आप जिस भी शेप का ओपनिंग रखोगे उसी शेप का आपका एक्सट्रूडेड पार्ट रहेगा. वो आप सॉलिड भी एक्सट्रूड कर सकते हो या फिर वो आपका हॉलो भी हो सकता है. द प्रोडक्ट मे बी एक्सट्रूजन प्रोसेस आर ट्यूब्स. प्रोडक्ट कौन से मिलते हैं आपके एक्सट्रूजन प्रोसेस में? जैसे कि ट्यूब्स, रॉड्स, रेलिंग्स फॉर स्लाइडिंग डोर्स. आपके घर के आपने एल्यूमिनियम के डोर देखे होंगे या विंडोज़ देखी होगी, उसके चैनल्स जो रहते हैं आप देख लीजिए, वो चैनल एक बार आप कहीं पर भी देख सकते हो उसे. दिस चैनल्स आर मेड बाय एक्सट्रूजन प्रोसेस. एल्यूमिनियम को हॉट स्टेट में एक डाई से एक्सट्रूड किया जाता है और वो आपको कंटिन्यूस चैनल मिलता है. उसका क्रॉस सेक्शन वो है जो एग्जैक्टली आपके ओपनिंग का क्रॉस सेक्शन रहेगा. तो बहुत सारे ट्यूब्स अलग अलग शेप के, रॉड्स अलग अलग शेप के, रॉड्स भी एक्सट्रूजन से बनते हैं. रेलिंग्स स्लाइडिंग डोर के लिए जो रेलिंग होते हैं वो स्ट्रक्चरल एंड आर्किटेक्चरल शेप्स. आई सेक्शन हो गया, सी सेक्शन हो गया, जो ब्रिजेस में स्ट्रक्चरल मेंबर यूज़ किए जाते हैं वो सारे एक्सट्रूजन से बनते हैं. डोर्स एंड विंडो फ्रेम्स एक्सेट्रा. तो कंटिन्यूस जो प्रोडक्ट आपको देखते हैं जो बार शेप में है या ट्यूब शेप में है वो मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सट्रूजन से बनाए जाते हैं.
Extrusion process is carried out on horizontal hydraulic press machine which are rated from 250 to 5500 tons in capacity. बहुत high capacity के hydraulic press machine पे आपका work किया जाता है in extrusion process. High capacity इसलिए क्योंकि metal को आपको एक small opening से force करना है और उसके लिए बहुत ज़्यादा pressure लगता है. That's why so high capacity is used starting from 250 ton up to 5500 tons. इतनी लार्ज कैपेसिटी के मशीन्स इसके लिए यूज़ किए जाते हैं. और जनरली कौन से मशीन होते हैं? हाइड्रोलिक प्रेस मशीन. ऑयल प्रेशर से आप क्या करते हो, मेटल को एक्सट्रूड करते हो. हाइड्रोलिक प्रेस मशीन जनरली यूज़ किए जाते हैं. एक्सट्रूजन प्रोसेस इज क्लासिफाइड एज फॉलोज. उसका क्लासिफिकेशन हम एक बार देख लेते हैं एक्सट्रूजन प्रोसेस का, कि कितने तरीके से हम एक्सट्रूजन कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू फिजिकल कॉन्फिग्रेशन, पहला क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू फिजिकल कॉन्फिग्रेशन. डायरेक्ट और फॉरवर्ड एक्सट्रूजन, इनडायरेक्ट और बैकवर्ड एक्सट्रूजन. तो अकॉर्डिंग टू फिजिकल कॉन्फिग्रेशन आपके दो तरह के एक्सट्रूजन हो सकते हैं. डायरेक्ट को कहते हैं या उसे फॉरवर्ड एक्सट्रूजन भी कहते हैं. दूसरा है इनडायरेक्ट या उसे बैकवर्ड एक्सट्रूजन भी कहते हैं. थर्ड वन इज अ इम्पैक्ट एक्सट्रूजन. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में आपका प्रेशर धीरे धीरे अप्लाई होगा. इन इम्पैक्ट एक्सट्रूजन द प्रेशर इज अप्लाइड सडनली. आपका सडन प्रेशर अप्लाई होगा. ट्यूब एक्सट्रूजन, पहले तीनों एक्सट्रूजन, पहले दो तो पूरी तरह से सॉलिड एक्सट्रूजन होते हैं. इम्पैक्ट एक्सट्रूजन में भी सॉलिड टाइप और हॉलो टाइप. ट्यूब एक्सट्रूजन इज प्योरली हॉलो. ट्यूब एक्सट्रूजन आपका क्या होगा, प्योरली हॉलो एक्सट्रूजन होगा. यानी इसमें जो भी आपका प्रोडक्ट रहेगा द प्रोडक्ट विल बी हॉलो विथ होल बाय डिफॉल्ट रहेगा. सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वर्किंग टेम्परेचर. तो ये क्लासिफिकेशन आपको सारे बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेस में मिलेगा. ये आपको पता है हॉट एक्सट्रूजन एंड कोल्ड एक्सट्रूजन. तो मोस्ट ऑफ द टाइम 95% एक्सट्रूजन कौन सा होगा, हॉट एक्सट्रूजन होगा. कोल्ड एक्सट्रूजन एक्सेप्शनल केस में जो बहुत ही डक्टाइल मटेरियल है, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, ओनली फॉर दोज मेटल्स वी विल यूज कोल्ड एक्सट्रूजन. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम द एक्सट्रूजन प्रोसेस विल बी हॉट एक्सट्रूजन. नाउ फर्स्ट वी विल सी डायरेक्ट एक्सट्रूजन. इन डायरेक्ट एक्सट्रूजन अ बिलेट दैट इज अ रॉ मटेरियल इज फेड इन टू द मशीन चेंबर. एक सिलेंडर जैसा चेंबर होता है, उसमें हम रॉ मटेरियल को प्लेस करते हैं. प्रेशर इज अप्लाइड टू द बिलेट विद द हेल्प ऑफ रैम और प्लंजर विच फोर्स द मटेरियल थ्रू द डाई. अब हम क्या करते हैं, रैम या प्लंजर से उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं. फोर्स अप्लाई करने के बाद वो मटेरियल डाई ओपनिंग से क्या होगा, बाहर एक्सट्रूड होना स्टार्ट हो जाएगा. द लेंथ ऑफ एक्सट्रूडेड पार्ट will depend on the billet size and the cross section of the die. जितना ज़्यादा आप वॉल्यूम लोगे उतनी ज़्यादा आपको लेंथ मिलेगी. जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन होगा उतनी कम लेंथ होगी, जितना कम क्रॉस सेक्शन होगा उतनी लेंथ आपकी ज़्यादा मिलेगी आपको पार्ट की. द एक्सट्रूडेड पार्ट इज देन कट टू रिक्वायर्ड लेंथ. बहुत ज़्यादा लॉन्ग लेंथ का पार्ट आपको मिलता है, फिर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उसे कट किया जाता है. डायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस हॉलो और सेमी हॉलो सेक्शन. डायरेक्ट एक्सट्रूजन से आप हॉलो पार्ट भी प्रोड्यूस कर सकते हो. टू प्रोड्यूस हॉलो सेक्शन बाय डायरेक्ट एक्सट्रूजन मेथड अ मैंड्रिल इज यूज. मैंड्रिल मतलब आपका जो प्लंजर होता है उस प्लंजर में ही तो डायरेक्ट एक्सट्रूजन में जब आपको हॉलो सेक्शन प्रोड्यूस करना है उस केस में आपको मैंड्रिल यूज़ करना पड़ता है.
मैंड्रिल इज अ एक्सटेंडेड पोर्शन ऑन द रैम इटसेल्फ। जो आपका प्रेशर अप्लाई करने वाला रैम है उसी के ऊपर आपका मैंड्रिल फिक्स किया जाता है। व्हेन द बिलेट इज कॉम्प्रेस्ड द मटेरियल इज फोर्स टू फ्लो थ्रू द गैप बिटवीन द मैंड्रिल एंड ओपनिंग। मटेरियल आगे की तरफ फोर्स होना स्टार्ट होगा और मैंड्रिल के वजह से बीच में जो सेक्शन है वो हॉलो रहेगा आपका। दिस रिजल्ट इन ट्यूबुलर क्रॉस सेक्शन। उसके वजह से आपका क्या होगा, ट्यूबुलर क्रॉस सेक्शन होगा। अगर फ्लैट रैम से आप एक्सट्रूड करते हो तो उस समय सॉलिड क्रॉस सेक्शन होगा, लेकिन रैम के ऊपर अगर मैंड्रिल अप्लाई करते हो तो उस समय आपका सेंटर में हॉलो रहेगा। तो मैंड्रिल इज यूज टू जनरेट हॉलो ट्यूब्स इन डायरेक्ट एक्सट्रूजन। सो दिस इज स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ डायरेक्ट एक्सट्रूजन। अपर वन इज डायरेक्ट एक्सट्रूजन सॉलिड टाइप, लोअर वन इज डायरेक्ट एक्सट्रूजन बट हॉलो टाइप। ऊपर के पोर्शन में आपको जो आउटपुट मिलेगा वो सॉलिड रॉड रहेगा, नीचे के डायग्राम में जो आउटपुट रहेगा वो आपका कैसे रहेगा, हॉलो। यहाँ पर दिखाया गया है, इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है यहाँ पर। नाउ वी विल सी द डायग्राम। डायग्राम किस तरह से है देखिए, ये आपका चेम्बर है, ये इस हैचिंग से जो भी दिखाया गया है आपका वो चेम्बर है। लेट मी चेंज द कलर। ये आपका चेम्बर है, जो सिमिलर हैचिंग से दिखाया गया वही पार्ट पे आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो सिंगल टाइप के हैचिंग से जो शो किया गया है वो आपका चेम्बर है। दिस वन इज अ डाई, यहाँ पर आपका क्या रहेगा, ओपनिंग रहेगा। ये डाई को सपोर्ट करने के लिए आपका डाई होल्डर है। यहाँ पर आप मटेरियल रखोगे जो आपका मेटल है। एंड दिस वन इज अ रैम थ्रू विच द प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द हॉट बिलेट। तो जैसे ही ये रैम आगे की तरफ आप फोर्स करोगे इस डायरेक्शन में, इस मटेरियल के ऊपर आप क्या कर रहे हो, प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। अब इसके पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए एक्सेप्ट दिस ओपनिंग। यहाँ पर जो आपको ओपनिंग दिख रही है, ये ओपनिंग छोड़ के इसके पास और कहीं पर जाने की जगह नहीं है। तो ये क्या होगा, इस ओपनिंग से फोर्स किया जाएगा, और जैसे ही ओपनिंग से फोर्स करेगा वो आगे की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा मटेरियल, एंड इट विल एक्वायर द शेप ऑफ दिस ओपनिंग। ये ओपनिंग का शेप मटेरियल को आएगा एंड मटेरियल विल ट्रैवल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट और फॉरवर्ड एक्सट्रूजन। देखिए क्या हो रहा है, जिस डायरेक्शन में आपका रैम या प्लंजर मूव हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपका पार्ट भी एक्सट्रूड हो रहा है, एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में। डायरेक्शन ऑफ रैम ट्रैवल एंड डायरेक्शन ऑफ पार्ट एक्सट्रूजन बोथ आर सेम इन डायरेक्ट एक्सट्रूजन। इसीलिए उसे क्या कहते हैं, फॉरवर्ड एक्सट्रूजन। आप पार्ट को फॉरवर्ड प्रेस कर रहे हो तो पार्ट एक्सट्रूड भी फॉरवर्ड ही हो रहा है। ऐसा नहीं कि पार्ट को आप फॉरवर्ड प्रेस कर रहे हो तो पार्ट एक्सट्रूड बैकवर्ड हो रहा है। यू आर फोर्सिंग द पार्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द पार्ट इज एक्सट्रूडिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो इसीलिए उसे क्या कहते हैं हम, फॉरवर्ड एक्सट्रूजन। फॉरवर्ड एक्सट्रूजन में अगर आपको ट्यूब एक्सट्रूड करना है तो मैंने आपको बताया था मैंड्रिल का यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ आपका रैम किस तरह से है, इट इज़ कम्प्लीटली फ्लैट, ये पूरी तरह से फ्लैट है। लेकिन आप ट्यूब एक्सट्रूजन में अगर देखोगे, सो दिस इज ऑफ योर रैम, इसमें क्या है, सामने की तरफ मैंड्रिल है। यहाँ पर गलत शो किया गया है, एक्चुअली दिस इज मैंड्रिल, ये पूरी तरह से फ्लैट नहीं है। अगर इसे हम फ्लैट कर देंगे तो यहाँ से सॉलिड पार्ट ही एक्सट्रूड होगा, बट दिस पिस्टन और प्लंजर इज शेप सच दैट आफ्टर एक्सट्रूजन यू विल गेट अ हॉलो शेप बिकॉज ऑफ द दिस मैंड्रिल इज प्रोवाइडेड ऑन द पिस्टन। आपके प्लंजर रैम या पिस्टन के ऊपर मैंड्रिल प्रोवाइड किया जाता है,
उसके वजह से आपको क्रॉस सेक्शन कैसे मिलेगा, हॉलो, सेंटर में आपको होल मिलेगा। सो दिस इज एग्जैक्टली सेम सेटअप एक्सेप्ट द शेप ऑफ रैम इज डिफरेंट। रैम के शेप में क्या ऐड किया जाता है, एक मैंड्रिल का शेप ऐड किया जाता है, अदरवाइज द प्रोसेस इज कम्प्लीटली सेम, बट ड्यू टू द मैंड्रिल यू विल गेट अ होल और यू विल गेट अ ट्यूब एज अ आउटपुट। आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, ट्यूब मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड एक्सट्रूजन। नाउ इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन, और जिसे हम कहते हैं बैकवर्ड एक्सट्रूजन। पहला स्टेप तो सेम है, अ बिलेट इज फेड इनटू द मशीन चेंबर। इन दिस टाइप द रैम और प्लंजर इज यूज इज हॉलो। देखिए डायरेक्ट एक्सट्रूजन में, चाहे वो सॉलिड एक्सट्रूजन हो या ट्यूब एक्सट्रूजन हो, आपका प्लंजर कैसा था, पूरी तरह से सॉलिड था। बट इन इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन द प्लंजर इज इट्सेल्फ हैव द ओपनिंग। आपके प्लंजर में ही क्या होता है, ओपनिंग होता है। ओपनिंग सामने की तरफ नहीं होता, प्लंजर में ही ओपनिंग रहेगा, या जो आपका प्रेशर आपने अप्लाई करने वाला मेंबर है उस मेंबर में ही आपका ओपनिंग रहेगा। सो दैट इज कॉल्ड एज बैकवर्ड एक्सट्रूजन। इन दिस टाइप द रैम और प्लंजर यूज इज हॉलो। हॉलो है मतलब उसमें ओपनिंग है, एंड एज इट इज प्रेस्ड अगेंस्ट द बिलेट द बैक वॉल ऑफ द क्लोज चेंबर द मेटल इज एक्सट्रूडेड बैक इन टू द प्लंजर। सामने से कोई ओपनिंग नहीं रहेगा, जो आपका ओपनिंग है वो प्लंजर में ही रहेगा। तो जब आप मेटल को फोर्स करोगे तो सामने की तरफ जाने के लिए मेटल के पास कोई रास्ता नहीं है, बिकॉज इट इज डेड एंड। नाउ द ओनली वे फॉर मेटल टू कम आउटसाइड इज थ्रू प्लंजर, वो प्लंजर से ही बाहर आ सकता है। तो आप प्रेशर तो सामने की तरफ अप्लाई कर रहे हो, लेकिन मेटल प्लंजर से पीछे की तरफ फ्लो हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बैकवर्ड और इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन। इट इन्वॉल्व्स नो फ्रिक्शन बिटवीन द मेटल बिलेट एंड द चेंबर बिकॉज द बिलेट डज नॉट मूव इनसाइड द चेंबर, सो एज कंपेयर टू डायरेक्ट एक्सट्रूजन लेस टोटल फोर्स इज रिक्वायर्ड इन दिस मेथड। इसका क्या मतलब हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट द फ्रिक्शन बिटवीन द वर्क एंड सिलेंडर इज कम्प्लीटली अब्सेंट इन इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन। वो कहता है कि डायरेक्ट एक्सट्रूजन में चेंबर जहाँ पर मेटल रखा हुआ है और मेटल, इनके बीच में फ्रिक्शन होता है, इसलिए फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है आपको एक्सट्रूजन के लिए। कैसे, देखिए ये जब मेटल आगे की तरफ मूव होगा तो इस कॉन्टैक्ट सरफेस पे, जो मैंने हाईलाइट किया है वो कॉन्टैक्ट सरफेस है, इस कॉन्टैक्ट सरफेस पे मोशन की वजह से फ्रिक्शन जनरेट होगा बिकॉज द मेटल इज मूविंग फॉरवर्ड, और इस फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन इज अ रेजिस्टेंस टू मोशन। अब जब रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हुआ है तो उसे ओवरकम करने के लिए आपको एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई डायरेक्ट एक्सट्रूजन टूक लार्जर फोर्स टू एक्सट्रूड द मेटल। ये इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में कम्प्लीटली अब्सेंट होता है, इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में इस तरह का फोर्स या फ्रिक्शन अब्सेंट होता है, इसलिए फोर्स कम लगता है। बट द इक्विपमेंट यूज इज मैकेनिकली कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, फोर्स आपको कम अप्लाई करना पड़ता है, ये एक एडवांटेज हो गया, बट द इक्विपमेंट इज कॉम्प्लिकेटेड कंपेयर टू डायरेक्ट एक्सट्रूजन। इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन इज ऑल्सो यूज टू सॉलिड एज वेल एज हॉलो कंपोनेंट। इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में भी आप सॉलिड और हॉलो दोनों पार्ट जनरेट कर सकते हो। फॉर प्रोड्यूसिंग सॉलिड पार्ट रैम इज हॉलो, वेयर एज फॉर प्रोड्यूसिंग हॉलो पार्ट रैम इज सॉलिड। देखिए अपोजिट है, आपको अगर सॉलिड पार्ट यूज करना है तो इस केस में रैम हॉलो रहेगा,
लेकिन अगर आपको हॉलो पार्ट प्रोड्यूस करना है तो रैम सॉलिड रहेगा। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान में रखना, इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में जब आपको सॉलिड पार्ट एक्सट्रूड करना है तो रैम कैसे रहेगा, हॉलो रहेगा, और आपको हॉलो पार्ट एक्सट्रूड करना है तो उस केस में रैम सॉलिड रहेगा। डायरेक्ट एक्सट्रूजन में चाहे वो हॉलो पार्ट हो या सॉलिड पार्ट हो, आपका रैम हमेशा सॉलिड ही होता है, बट इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में सॉलिड के लिए रैम हॉलो रहेगा और हॉलो के लिए रैम सॉलिड रहेगा। डायग्राम से क्लियर करते हैं। नाउ लुक एट दिस डायग्राम। ऑफ इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन देखिए किस तरह से है, ये एंड आपने पूरी तरह से क्लोज करके रखा है। डायरेक्ट एक्सट्रूजन में ये एंड में आपकी क्या रहती थी, ओपनिंग रहती थी, बट इन इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन दिस एंड इज कंप्लीटली क्लोज। ये आपका रैम है, ये रैम किस तरह से है, इट इज़ हैविंग इनबिल्ट डाई। रैम में ही आपका डाई है या ओपनिंग है, और जब आपके रैम को आगे की तरफ मूव करते हो तो आपका मेटल उस प्रेशर से कहाँ मूव होता है, पीछे की तरफ मूव होता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज बैकवर्ड एक्सट्रूजन और इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो रैम जब मेटल को प्रेस करता है तो इस इंटरफेस पे किसी भी तरह का फ्रिक्शन नहीं होगा, क्योंकि मेटल वहाँ से कहीं पर भी मूव नहीं हो रहा है, इट इज़ नॉट मूविंग। डायरेक्ट एक्सट्रूजन में क्या होता था, मेटल सामने की तरफ मूव होते जाता था, बट हियर द मेटल इज़ नॉट मूविंग, एक ही जगह पर मूवमेंट हो रहा है आपका मेटल का, यहाँ पर। तो इसलिए जो भी फोर्स रिक्वायर्ड होता है वो इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में मिनिमम होता है, डायरेक्ट एक्सट्रूजन में थोड़ा हायर अमाउंट ऑफ फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ता है। सो दिस वन इज़ अ इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन। अब अगर आपको इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में हॉलो पार्ट चाहिए, ये तो हो गया सॉलिड पार्ट के लिए, अब अगर आपको हॉलो पार्ट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, दिस इज चेम्बर फॉर हॉलो पार्ट आई एम सीइंग, ये आपका चेम्बर है, यहाँ पर आपका रेड हॉट मेटल है, ये हो गया आपका मेटल। अब जो भी प्लंजर आप यूज़ करोगे वो प्लंजर किस शेप का होना चाहिए, दिस प्लंजर शुड बी सॉलिड, ये हो गया आपका प्लंजर जिस पर आप फोर्स अप्लाई करोगे। नाउ ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, देखिए प्लंजर कैसा है, प्लंजर थोड़े छोटे डायमेंशन का है, एग्जैक्टली सिलेंडर और प्लंजर इनका डायमेंशन सेम नहीं है, इसलिए जब भी आप फोर्स अप्लाई करोगे तो मेटल फ्लो होगा, लेकिन मेटल के पास फ्लो होने के लिए कौन सा ओपनिंग है, ओनली सिंगल ओपनिंग इज देयर, यहां से मेटल पीछे की तरफ फ्लो होगा, ये हुआ मेटल फ्लो। जब आपने फॉरवर्ड प्रेशर अप्लाई किया उस पर तो मेटल बैकवर्ड फ्लो हुआ, लेकिन कहाँ से फ्लो हुआ, सराउंडिंग द प्लंजर, प्लंजर के सराउंडिंग में, तो प्लंजर तो आपका सॉलिड है, वहां से कुछ भी फ्लो नहीं हो सकता, लेकिन जो प्लंजर और सिलेंडर के बीच में स्पेस है वहाँ से आपका मेटल फ्लो हो सकता है, तो इस तरह से वो फ्लो हुआ बाहर की तरफ। और इसीलिए जब आप सॉलिड प्लंजर यूज़ करते हो तो आपको क्या मिलता है, हॉलो पार्ट मिलता है, और हॉलो प्लंजर जब यूज़ करते हो तो आपको क्या मिलता है, सॉलिड पार्ट मिलता है। नाउ दिस इज़ अ ट्यूब, ये आपकी ट्यूब होगी, एंड थिकनेस डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ द प्लंजर, जितने स्मॉल साइज़ का प्लंजर लोगे उतनी थिकनेस ज़्यादा मिलेगी आपको, जितना लार्ज साइज़ का प्लंजर लोगे उतनी ही ओपनिंग कम रहेगी तो थिकनेस कम मिलेगी आपको। सो दैट इज़ इनडायरेक्ट फॉर सॉलिड एंड हॉलो, दोनों के लिए हमने देखा।
ये सॉलिड के लिए, और अभी मैंने जो आपको समझाया था वो हॉलो इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन था। नाउ वी विल सी थर्ड टाइप, दैट इज इम्पैक्ट और कोल्ड एक्सट्रूजन। इम्पैक्ट एक्सट्रूजन मोस्ट ऑफ द टाइम कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है। वेरियस डेली यूज प्रोडक्ट्स सच एज ट्यूब्स फॉर शेविंग क्रीम, टूथपेस्ट एंड पेंट्स, कंडेंसर कैंस एंड सच अदर थीन वॉल प्रोडक्ट्स आर इम्पैक्ट एक्सट्रूडेड। देखिए ये कोल्ड एक्सट्रूजन है, इम्पैक्ट एक्सट्रूजन इज अ टाइप ऑफ कोल्ड एक्सट्रूजन। सो दैट्स वाई देखिए कौन से मटेरियल उसमें यूज हुआ है, उसके प्रोडक्ट के एग्जाम्पल क्या दिए हैं, शेविंग क्रीम के लिए ट्यूब या टूथपेस्ट के लिए ट्यूब, पेंट कंटेनर, आपने देखा होगा पेंट रखने के लिए जो कंटेनर यूज़ करते हैं, डब्बा जिसे कहते हैं पेंट का, कंडेंसर कैंस एंड सच अदर थीन वॉल प्रोडक्ट। ये सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, एक तो वो सारे एल्यूमिनियम से बने हैं, एल्यूमिनियम इज़ अ वेरी सॉफ्ट मेटल, और दूसरा वो बहुत थीन होते हैं, थिकनेस जो होती है वो बहुत कम होती है। ऐसे प्रोडक्ट आप विदाउट यूजिंग हॉट वर्किंग बना सकते हो, तो उसके लिए यूज होता है कोल्ड या इम्पैक्ट एक्सट्रूजन। द रॉ मटेरियल इज प्लेस इन अ डाई एंड स्टक फ्रॉम द टॉप बाय द पंच ऑपरेटिंग एट हाई प्रेशर एंड स्पीड। रॉ मटेरियल को एक डाई में रखते हैं और ऊपर से पंच एकदम सडनली इम्पैक्ट किया जाता है। पंच का स्पीड जो होता है बहुत हाई होता है और प्रेशर भी बहुत हाई अप्लाई होता है, तो ये सडन इम्पैक्ट है। द मेटल फ्लोज अप अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द पंच फॉर्मिंग अ कप शेप कंपोनेंट। जैसे ही पंच डाई में इम्पैक्ट करेगा, जो मटेरियल है या मेटल है वो अलॉन्ग द पंच और डाई के बीच में जो गैप होगी उसमें क्या होगा, एक्सपांड होना स्टार्ट हो जाएगा या फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, पंच और डाई के बीच में जो गैप है उसको यूज़ करते हैं। द रेट ऑफ प्रोडक्शन इज हाई, दैट इज 60 कंपोनेंट पर मिनट। एक सेकंड में पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, तो एक मिनट में आप 60 कंपोनेंट तक बना सकते हो, इतना इसका स्पीड ज़्यादा होता है। दिस प्रोसेस इज यूज ओनली फॉर सॉफ्ट एंड डक्टाइल मेटल्स सच एज लीड, टीन, एल्यूमिनियम, जिंक एंड सम ऑफ देयर अलॉयज। बहुत ही सॉफ्ट और हाई डक्टिलिटी मटेरियल या मेटल आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे कि लीड, टीन, एल्यूमिनियम, जिंक और उसके कुछ अलॉयज। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस प्रोसेस आर इट्स स्पीड, प्रोडक्ट यूनिफॉर्मिटी एंड नो वेस्टेज। बहुत हाई स्पीड होता है, प्रोडक्ट यूनिफॉर्म मिलते हैं आपको, सारे प्रोडक्ट एक जैसे दिखेंगे और वेस्टेज नहीं है। ये हो गया एग्जाम्पल या कैसे ऑपरेट होता है। दिस वन इज अ पंच और ये आपकी नीचे क्या है, डाई है। पंच का साइज डाई से थोड़ा सा कम रहेगा क्योंकि उसी गैप से क्या होगा, आपका मटेरियल बाहर की तरफ एक्सट्रूड होगा। ये ऑपरेट होने के बाद जब पंच आपके डाई को हिट करेगा तो यहाँ आप देख सकते हो एकदम थीन वॉल का एक सिलेंडर यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है। इसका शेप कैसा है, आप डाई का शेप और पंच का शेप देखोगे तो ये जो एक्सट्रूडेड पोर्शन आपको यहाँ मिल रहा है, एक्सटेंडेड पोर्शन, दिस इज़ फॉर फॉर्मिंग द नेक ऑफ द ट्यूब। अगर शेविंग क्रीम की ट्यूब है आपके पास तो उसकी नेक फॉर्म करने के लिए ये शेप उसको दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो उस ट्यूब के साथ क्या फॉर्म हुआ है, नेक फॉर्म हुआ है। और थिकनेस कितनी रहेगी, जितनी पंच और डाई के बीच में गैप है उतनी ही थिकनेस का आपका प्रोडक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। आप देख सकते हो एकदम थीन वॉल का कंपोनेंट यहाँ पर एक्सट्रूड हुआ है और ये सडन इम्पैक्ट से आपका जनरेट होता है। तो ये हो गया आपका इम्पैक्ट एक्सट्रूजन। नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सट्रूजन इज नॉट एक्चुअली अ टाइप, इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन। हाइड्रो मतलब लिक्विड, स्टैटिक मतलब जो मूवमेंट नहीं हो रहा है ऐसा लिक्विड। तो हाइड्रोस्टैटिक का यूज़ करके
हम एक्सट्रूजन कर सकते हैं, उसे कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन। इन दिस टाइप ऑफ एक्सट्रूजन प्रोसेस द बिलेट इज सराउंडेड बाय अ वर्किंग फ्लूड विच इज प्रेशराइज बाय द रैम टू अप्लाई द एक्सट्रूजन फोर्स। अब जनरली क्या होता है, रैम इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द हॉट मेटल। एक्सट्रूजन प्रोसेस में रैम और हॉट मेटल का डायरेक्टली कॉन्टैक्ट होता है, लेकिन हाइड्रोस्टेटिक में क्या होता है, आपका जो रॉ मटेरियल है वो लिक्विड में होगा, वो पूरी तरह से लिक्विड में फिलअप होगा और रैम अपना प्रेशर अप्लाई करेगा लिक्विड के ऊपर, नॉट डायरेक्टली ऑन द मेटल। मेटल पे प्रेशर अप्लाई नहीं होगा, हम प्रेशर अप्लाई करेंगे लिक्विड पे। और लिक्विड का आपको सबसे बड़ा एडवांटेज पता है, आपने किसी एक सरफेस पे प्रेशर अप्लाई किया तो लिक्विड उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। दिस इज द मेन वर्किंग फिनोमेना ऑफ द लिक्विड। लिक्विड में प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रेशर को। तो इसी का यूज़ करके हम क्या करते हैं, एक्सट्रूजन करते हैं। हम लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे और वो लिक्विड उस प्रेशर को कैरी करके अप्लाई करेगा मटेरियल के ऊपर या मेटल के ऊपर, वो भी सारे डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट में। इन दिस प्रोसेस हाइड्रोलिक फ्लूड रिमेन्स बिटवीन द बिलेट एंड द चेंबर वॉल, हिंस एलिमिनेटिंग द कॉन्टैक्ट बिटवीन वॉल एंड फ्रिक्शन बिटवीन देम। जीरो फ्रिक्शन होता है क्योंकि पूरी तरह से लिक्विड से प्रेशर अप्लाई किया जाता है, मटेरियल जो होता है वो कोई भी वॉल के कॉन्टैक्ट में कभी नहीं आएगा, इसलिए फ्रिक्शन नियर अबाउट हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। जीरो तो नहीं हो सकता बट इट इज निग्लिजिबल। ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वॉल फ्रिक्शन, एक्सट्रूजन ऑफ वेरी लॉन्ग बिलेट और इवन वायर्स एंड लार्ज रिडक्शन कैन बी टेकन। फ्रिक्शन नहीं है तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा लॉन्ग लेंथ के प्रोडक्ट आप इससे बना सकते हो, इवन आप वायर्स भी बना सकते हो, इतना हाई रिडक्शन पॉसिबल होता है हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन में। ड्यूरिंग द प्रोसेस द रैम डज नॉट डायरेक्टली एक्ट ऑन द बिलेट, इंस्टेड ऑफ दैट इट एक्ट्स ऑन द हाइड्रोलिक फ्लूड विच फोर्सेज द बिलेट थ्रू द डाई एंड प्रोड्यूस द एक्सट्रूजन। रैम डायरेक्टली मेटल पे एक्ट नहीं होगा, फ्लूड पे एक्ट करेगा और फ्लूड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो फोर्स मटेरियल के ऊपर या मेटल के ऊपर। द मटेरियल विच कैन नॉट बी एक्सट्रूडेड सक्सेसफुली बाय कन्वेंशनल मेथड कैन बी एक्सट्रूडेड बाय दिस प्रोसेस। ये प्रोसेस थोड़ी कॉस्टली है लेकिन हम ऐसे मेटल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं जो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या इम्पैक्ट, इन तीनों मेथड से एक्सट्रूड नहीं किए जा सकते। दैट मेटल्स कैन बी एक्सट्रूडेड बाय हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन। देखिए डायग्राम नियर अबाउट सेम है, यहाँ पर भी आपका रैम है, सराउंडिंग में सिलेंडर है, यहाँ आपको डाई दिख रही है एंड दिस इज योर मेटल। बीच में क्या है, बीच में आपका हाइड्रोस्टैटिक फ्लूड पूरी तरह से हाइड्रोलिक फ्लूड फिलअप हो जाएगा। आपका रैम प्रेशर अप्लाई करेगा किसके ऊपर, फ्लूड के ऊपर। ये रैम यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेगा फ्लूड के ऊपर। दिस प्रेशर इज नाउ सक्सेसफुली ट्रांसफर इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन से मेटल के ऊपर। मेटल के ऊपर सभी डायरेक्शन से ट्रांसफर होगा एंड ड्यू टू दिस प्रेशर नाउ द एक्सट्रूजन टेक्स प्लेस। तो रैम और मेटल कभी भी कांटेक्ट में नहीं आएंगे, रैम कांटेक्ट में आएगा फ्लूड के और फ्लूड कांटेक्ट में रहेगा मेटल के। तो यहाँ वॉल फ्रिक्शन पूरी तरह से अब्सेंट है, इस वॉल में कहीं पर भी आपका फ्रिक्शन नहीं होगा। सो इट इज मोर इजी टू एक्सट्रूड लेस डक्टिलिटी मटेरियल, जिसकी डक्टिलिटी कम है ऐसे मटेरियल भी आप यहाँ से एक्सट्रूड कर सकते हो इस प्रोसेस से। तो ये हो गया आपका हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन। तो नेक्स्ट प्रोसेस जाने से पहले
हम एक्सट्रूजन को वीडियो के थ्रू समझते हैं। The primary type of hot extrusion is direct or forward extrusion. Indirect extrusion, the hot billet is loaded into a thick wall container and forced through an extrusion die secured in a holder. The force for extruding is applied by a ramp along with an intermediate reusable dummy block. ये आपका रैम है, ये पूरा जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये रैम है, ये आप मेटल के ऊपर आपका फोर्स अप्लाई करेगा डायरेक्ट एक्सट्रूजन। Metal flow from the die is in the same direction as the forward motion of the ram. Since the surface of the billet length slides along the wall of the container, extrusion force depends on the friction between the billet length and the container and the material. The friction portion of the force can be reduced by using lubrication. Force increases rapidly as the billet is upset to fill the container. ये animation थोड़ा ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। ये आपका रैम है, ये मेटल है, यहाँ आपकी ओपनिंग है, यहाँ से then increases further as breakthrough force before extrusion begins. Upon breakthrough, the force declines as billet length decreases until a minimum force is reached. As the billet thins, the force rapidly rises again to continue metal flow radially toward the die opening. Resistance to deformation or force requirements increase markedly as the thickness of the butt or unused billet portion decreases. Hot extrusion is most commonly performed on horizontal hydraulic presses. Hot extrusion presses are usually ये रैम है, ये आपका रॉ मटेरियल है और इसके अंदर आपका डाई रहेगा। ये एक्चुअली सिलेंडर है बाहर से आपको जो दिख रहा है, उसके अंदर एंड पर क्या रहेगा आपका डाई ओपनिंग रहेगा। Rated in force capacity, which translates to the amount of pressure applied to the billet. That pressure depends on billet material and temper, its cross section and complexity, length and temperature, extrusion speed and reduction or extrusion ratio. The extrusion ratio equals the cross sectional area of the container liner divided by the cross sectional area of the die openings. इतने कॉम्प्लिकेटेड पार्ट भी आप एक्सट्रूजन से बना सकते हो। जो भी आपका डाई ओपनिंग रहेगा उसी क्रॉस सेक्शन का पार्ट आपका बाहर एक्सट्रूड होगा। कि आपको यहाँ से समझ रहा होगा कि डाई ओपनिंग का क्या एडवांटेज है। फॉरवर्ड एक्सट्रूजन, देखिए क्रॉस सेक्शन से समझाएगा यार, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा क्या होता है। बाहर का कंटेनर है, रैम है, स्टॉक एल्यूमिनियम मतलब रॉ मटेरियल और डाई ओपनिंग। रैम जैसे ही पुश करेगा आपका डाई ओपनिंग से मेटल बाहर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ओपनिंग सर्कुलर है इसलिए आपका रॉड कैसा है, सिलेंड्रिकल। लॉन्ग लेंथ के बार भी आप इससे जनरेट कर सकते हो। इस तरह का मशीन होता है, कैपेसिटी रहेगी 250 टन टू 5500 टन।
ये आपका डाई है, उसका क्रॉस सेक्शन कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ये हॉट मटेरियल आ गया, क्रॉस सेक्शन रिड्यूस होगा और चेंज भी हो जाएगा। तो आपको कौन सा क्रॉस सेक्शन मिला यहाँ पर? प्लस क्रॉस सेक्शन। बैकवर्ड एक्सट्रूजन, देखिए सामने से पूरी तरह से क्लोज है, लेकिन प्लंजर कैसा है आपका, रैम कैसा है, हॉलो है, इसलिए बैकवर्ड मूव हुआ। रैम फॉरवर्ड मूव हो रहा है, लेकिन रैम के साथ आपका मटेरियल कैसे मूव हुआ, बैकवर्ड। तो ये हो गया इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन। नाउ वी विल सी इंपैक्ट एक्सट्रूजन। देखिए ये आपका प्लंजर है, दिस वन इज अ प्लंजर, दिस वन इज अ डाई। नीचे जो पोर्शन है वो डाई है आपका। ये प्लंजर बहुत हाई वेलोसिटी से नीचे इंपैक्ट करेगा, आपका रॉ मटेरियल इस डाई के अंदर रखा जाएगा, इनसाइड द डाई। नाउ वॉच द प्रोसेस इन स्लो मोशन। देखिए इंपैक्ट हुआ, कितना फास्ट मटेरियल ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है और एक ट्यूब शेप पार्ट आपका जनरेट हुआ। और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। तो ये हो गया एक्सट्रूजन। तो इस रॉ मटेरियल आपका इस तरह का फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सकता है जो अंदर से हॉलो है ओनली ड्यू टू द इम्पैक्ट। मेटल कौन सा है, वो एल्यूमिनियम, हैविंग हाई डक्टिलिटी एंड सॉफ्टनेस। सॉफ्ट मटेरियल है, मेटल है, और डक्टिलिटी बहुत हाई होती है। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सट्रूजन प्रोसेस। हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूजन इज अ एग्जैक्टली सेम टू द डायरेक्ट एक्सट्रूजन, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। द ओनली थिंग वी आर नॉट अप्लाइंग द प्रेशर डायरेक्टली, डायरेक्टली मटेरियल के ऊपर रैम से प्रेशर अप्लाई नहीं करते, अदरवाइज इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्सट्रूजन। तो हमने तीनों वीडियो से समझ लिया है डायरेक्ट एक्सट्रूजन क्या है, इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन क्या है, इम्पैक्ट और कोल्ड एक्सट्रूजन क्या है। सो वी विल ट्राई टू एंड दिस यूनिट बाय नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस यूनिट को एंड कर देंगे, एंड उसके साथ हम क्या लेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड हाउ टू आंसर देम। क्वेश्चन बैंक को कैसे एक बार ओवरव्यू कर लेंगे क्वेश्चन बैंक का भी इस यूनिट के। सो वी विल स्टॉप हियर फॉर दिस लेक्चर। हैव अ नाइस डे।